हेलो लेडीज़ एंड जन्टमैन नमस्कार सशिकाल सलाम दिस इज अमित कपूर दोस्तों आज मैं जिस प्लेनेट के महापरिवर्तन के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो आप सबकी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है खास करके उन लोगों के ऊपर जिन लोगों के ऊपर शनि की महादशा हो शनि की अंतरदशा हो खास करके उन लोगों के ऊपर जो पिछले ढाई साल से शनि के ढैये से इफेक्टेड हैं जैसे कि 17 जनवरी 2023 से लेकर 29 मार्च 2025 तक सूर्य तक सूर्यपुत्र शनि न्यायाधीश शनि कर्म दाता शनि अपना साइन चेंज करने जा रहे हैं कैप्रिकोन से एक्वेरियस साइन मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गोचर करेंगे शनिदेव तो 17 जनवरी 2023 को जिन लोगों के ऊपर जिन आ, मून साइन और सेंडस के ऊपर ढैया चल रहा था वो ढैया समाप्त हो जाएगा और नए दो ऐसे साइन हैं नए दो ऐसे मून साइन हैं जिनके ऊपर शनि का ढैया स्टार्ट हो जाएगा तो पहले तो मैं ये बताऊंगा कि किन दो मून साइन को रिलीफ मिलने वाला है 17 जनवरी 2023 को जब शनि अपना महाप्रिवर्तन कर कर कुंभ राशि में जाएंगे सबसे पहले हम बात करेंगे जेमनी असेंडर्स और जेमनी मून साइन की अगर आपका जेमनी असेंडर्स है जेमनी मून साइन है तो 17 जनवरी 2023 से लेकर 29 मार्च 2025 तक शनि का गोचर आपके अष्टम भाव को छोड़कर आपके नवम भाव में होगा जो कि आपके लिए गोल्डन पीरियड रहेगा आपको अचीवमेंट्स मिलेंगी लेकिन बड़ी स्लो स्पीड के साथ जो स्पीड होगी सक्सेस की वो बड़ी स्लो होगी क्योंकि शनि मंद गति से चलने वाले प्लानट है और नाइन्थ हाउस में जो शनि का गोचर रहता है वो आपको सब कुछ दिलाएगा नेम फेम शोहरत इज्जत जो पिछले ढाई सालों से आपने जैनी स्ट्रगल किया है सत्रह जनवरी बीस तेईस से लेकर उनतीस मार्च बीस तक आप उस स्ट्रगल की सक्सेस को एंजॉय करेंगे पॉपुलैरिटी आपको मिलेगी फेम आपको मिलेगा सीनियर्स के साथ टाइप अच्छे हो जाएंगे जॉब में स्टेबिलिटी आएगी सोर्स ऑफ अर्निंग अच्छे हो जाएंगे सोर्स ऑफ अर्निंग बेटर हो जाएंगे कर्जे से आपको मुक्ति मिलेगी चीजें आपकी बेटरमेंट की ओर जानी शुरू होंगी जो टेंशन जो परेशानियां आपने झेली हैं उससे आपको रिलीफ मिलेगा दूसरा कौन सा मून साइन है जिसको सत्रह जनवरी 23 को रिलीफ मिलने वाला है वो है लिब्रा लिब्रा साइन लिब्रा लगन लिब्रा सेंडेस से, या लिब्रा मून साइन के फोर्थ हाउस में शनि का ढैया चल रहा था जो कि 17 जनवरी 2023 को समाप्त हो रहा है 29 मार्च 2025 तक जो शनि का गोचर होगा पंचम भाव में होगा तो पिछले ढाई सालों में जो आपने स्ट्रगल देखी है पिछले ढाई सालों में जो आपने एक आप ऐसी रोड पे थे जिस रोड की एंडिंग का आपको नहीं पता था बस अब चल रहे थे कि हमको ये भी करना है हमको वो भी करना है लेकिन उसके आउटकम क्या होंगे उसके रिजल्ट्स क्या होंगे ये आपको पता नहीं चल रहे थे तो शनि का गोचर अब पंचम भाव में जा रहा है आपके त्रिकोणा हाउस में जा रहा है केंद्र का मालिक त्रिकोण में जाकर एक राज्यों का भी निर्माण कर रहा है तो यहां पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीजें आपके साथ हैपन्स होंगी लिब्रा असेंडस और लिब्रा मून साइन के लिए सत्रह जनवरी बीस से लेकर उनतीस मार्च बीस तक का पीरियड आपके लिए आप सर्वगुण संपन्न रहेंगे हर एक चीज में आपको सक्सेस मिलेगी नेम फेम प्रस्पेरिटी मिलेगी आपका हार्ड वर्क स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होगा आपके एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होगे और आपके रुके हुए काम बनते जाएंगे तो ये तो वो दो राशियां थी जिनके ऊपर शनि की ढैया समाप्त हो रही है यानी कि जर्मनी के ऊपर समाप्त हो रही है और लिब्रा के ऊपर समाप्त हो रही है अब कौन से ऐसे दो मून साइन है या सेंडन साइन है जिसके ऊपर शनि का ढैया स्टार्ट हो रहा है नंबर वन पे है कैंसर असेंडस और कैंसर मून साइन आपके असेंडस और मून साइन से एट हाउस में शनि का गोचर होगा अगर आपका लगन कैंसर है तो इसका इफेक्ट 50 परसेंट आपके ऊपर पड़ेगा अगर आपका मून साइन कैंसर है तो इसका इफेक्ट आपके ऊपर 100 परसेंट पड़ेगा सो गाइस कैंसर असेंडस और कैंसर मून साइन के लिए शनि का ढैया का यू नो आरंभ हो रहा है सत्रह जनवरी बीस से लेकर उनतीस मार्च बीस तक यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ अपनी हेल्थ को लेकर सचेत होकर चलें वहीकल केयरफुली चलाएं किसी बड़े बुजुर्ग को डिसरिस्पेक्ट ना दें प्रोफेशनल लाइफ में बड़ा अप एंड डाउन आएगा मेंटली बहुत आपको स्ट्रेस एग्जाइटी और डिप्रेशन का सामना करना पड़ेगा हेल्थ वेल्थ आपकी अच्छी नहीं रहेगी रिसोर्सिस जो होंगे उसमें प्रॉब्लम आएगी इनकम में प्रॉब्लम आएगी मन में बहुत ज्यादा घबराहट रहेगी काम आप उस तरह से नहीं कर सकेंगे जिस तरह से करने चाहते कर, हैं आप या उस तरह के रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे जिस तरह की आपकी एक्सपेक्टेशन होगी सत्रह जनवरी बीस के बाद शनि का गोचर आपके अष्टम भाव में आपके लिए कॉम्प्लीकेशन लेकर आ रहा है आपके आपके लिए आपके लिए लीगल मैटर्स लेकर लेकर आ आ रहा रहा है 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 हर्डल्स हेल्थ रिलेटेड कोई डिजीज आपको हो सकता मेंटली स्ट्रेस एग्जाइटी टेंशन डिप्रेशन से आप गुजरेंगे कैंसर असेंडस और कैंसर मून साइन के लिए ये टाइम बहुत ही ज्यादा टफ आने वाला है क्योंकि अष्टम हाउस का जो ढैया होता है इसको छोटी पनौती बोलते हैं यू विल फेस लॉट ऑफ यू नो लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन खर्चे बहुत बड़े चढ़े रहेंगे इनकम ज्यादा अच्छी ना होगी कोई आपको चीट कर सकता है कोई आपको धोखा दे सकता है ये सारा टाइम फ्रेम कैंसर असेंडस और कैंसर मून साइन आपको बहुत ज्यादा अलर्ट होकर चलना है बहुत ज्यादा केयरफुल होकर के चलना है क्योंकि इस पीरियड में आपकी इज्जत पे क्वेश्चन मार्क लगेंगे सीनियर्स के साथ आपके लड़ाई झगड़े होंगे आप जॉबलेस हो सकते हैं अगर आप खुद का बिजनेस करते हैं तो एट्थ हाउस के शनि की तृतीय दृष्टि आपके टेंथ हाउस पे है तो प्रोफेशनल लाइफ में आपकी बड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको कर्ज की स्थिति पड़ सकती है या आपका बैड आपके ऊपर इतने ज्यादा हो जाएंगे कर्जे इतने हो जाएंगे बैंक हो जाएगी या आपका प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि जिससे आपको प्रोफेशन अपना बंद करना पड़ेगा फैक्ट्री या शॉप अपनी बंद करनी पड़ेगी जिससे सोर्स ऑफ अर्निंग आपके काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएंगे अब शनि की सप्तम दृष्टि आपके सेकंड हाउस में होगी इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पर आपकी फैमिली के साथ बॉन्डिंग जो होगी वो खराब होगी पेरेंट्स के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है इनहेरिटेंस को लेकर लड़ाई झगड़ा हो सकता है जमीन जदाद को लेकर लड़ाई झगड़ा हो सकता है आपकी वे ऑफ टॉकिंग बड़ी वस्ट हो जाएगी आप जो भी शब्दों का इस्तेमाल करेंगे वो अच्छे ना होंगे जिससे आपके रिश्ते कमजोर पड़ते जाएंगे चाहे आपके मां बाप हैं चाहे आपके आपका स्पाउस है चाहे आपके फैमिली मेंबर्स हैं वो आपको इस समय में सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि आपका जो विजन होगा आपकी जो थॉट्स होंगी वो बहुत ज्यादा नेगेटिव होंगी टेंशन डिप्रेशन की ओर आप जाएंगे गलत डिसीजन आप ले सकते हैं तो इन ढाई सालों में अगर आपका कैंसर असेंडस है या कैंसर मून साइन है बिल्कुल भी कोई मेजर डिसीजन ना लें बिल्कुल भी किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें किसी को पैसा उधारी ना दें और ना किसी

अगर लेंगे तो कर्ज वापस नहीं दिया जाएगा अगर देंगे तो पैसा टाइम पे नहीं आएगा अगर प्रोडक्ट सेल करते हैं उधारी में क्रेडिट पे कोई तो उसमें में भी पेमेंट आने में भी आपको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा देखिए यहां से जो शनि की दसम दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पे पड़ेगी बच्चों के साथ डिस्प्यूट हो सकता है अगर आप मैरिड हैं बच्चों की एजुकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है या बच्चों के साथ आपका रिश्ता बिगड़ सकता है अगर आपको कोई अफेयर है लव अफेयर है लिविंग रिलेशनशिप है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए

अपने वेल well बींग्स के साथ टॉकिंग टर्म्स का ध्यान रख के चलें अपने एल्डर्स को आ, को हमेशा रिस्पेक्ट दें अपने एल्डर्स की ब्लैसिंग्स लें जितना ज़्यादा एल्डर्स की ब्लैसिंग्स लेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा अदरवाइज ये टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लेकर आएगा बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम लेकर आएगा और आप किसी कॉन्ट्रोवर्सी का हिस्सा बन सकते हैं डी फेम आपका हो सकता है यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन किसी गुप्त स्थान पर यानी कि आपके शरीर के गुप्त स्थान पर रोग उत्पन्न उत्पन्न हो सकता है पेट के नीचे का हिस्सा इफेक्टेड हो सकता है या हम बोल सकते हैं बैक बोन में प्रॉब्लम आ सकती है हड्डियों से संबंधित दिक्कत आ सकती है अगर सूर्य भी आपके बर्थ चार्ट में वीक है तो डेफिनेटली बॉन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आएगी अगर शुक्र आपका वीक है तो स्किन रिलेटेड ट्रबल आपको आएगी तो आपको इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है अगर मंगल आपका बर्थ चार्ट में वीक है और शनि अष्टम में गोचर कर रहा है तो ब्लड रिलेटेड इंफेक्शन हो सकता है किडनीज रिलेटेड प्रॉब्लम

तो भी आप पे इफेक्ट नेगेटिव पड़ेंगे लेकिन दशाएं अच्छी होने की वजह से वो आपको प्रोटेक्ट करती चली जाएंगी क्योंकि ट्रांजिट से ज्यादा इफेक्ट जो होता है वो महादशा अंतरदशा का होता है सो so गाइस आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके ऊपर महादशा किस प्लैनेट की चल रही है और आपका चंद्रमा और लगन कितने डिग्री का है कि किस समय ढाई साल ये नहीं है कि ढाई के ढाई साल ही आपके लिए बुरे हैं जब शनि आपकी चंद्र राशि से सात डिग्री पहले आएगा और सात डिग्री बाद में होगा तो आपके ऊपर शनि के ढैये का ज्यादा बैड इफेक्ट होगा जैसे कि आपका मून साइन है बीस डिग्री का जो शनि का गोचर जब चौदह डिग्री पे आएगा चौदह से लेकर सताईस डिग्री तक आपको शनि ज्यादा परेशान करेंगे उसी तरीके से अगर लगन आपका पंद्रह डिग्री का है तो जब शनि आठ डिग्री पे आएंगे आठ से लेकर इक्कीस डिग्री तक आपको शनि का ढैया ज्यादा परेशान करेगा सो यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट आप क्या रेमेडीज करें पीपल के नीचे एक सरसों के तेल का दिया जगाएं हर शनिवार रात को हनुमान उपासना करें हर मंगलवार और हर शनिवार रात को इवन हर रोज रात को संकट मोचन हनुमान चालीसा का बजरंग बाण का उच्चारण करके सोएं और जितना ज्यादा हो सकता है फोर फेस वाला चमेली के तेल का दिया हनुमान जी के आगे बंद करें मंगलवार की रात को और शनिवार की रात को आ, हनुमान जी के टेंपल में विजिट करें मंगलवार की आ, शाम को और शनिवार की शाम को वहां बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ें उनको एक मीठा पान जिसमें कोई नशे वाली चीज ना हो और जो पान का पत्ता है उसकी डंडी भी कटी हुई नहीं होनी चाहिए एक मीठा पान चुरसिए से बनवा कर उनको भोग लगाए जितना ज्यादा मिठास का भोग आप हनुमान जी को लगाएंगे मीठे पान का बिना

आपका है तो 90 95 परसेंट अनबैलेंसिंग सिचुएशन रहेगी लेकिन स्कॉर्पियो सेंडस और मून साइन के लिए प्लस पॉइंट ये है कि शनि केंद्र में आकर शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहा है तो इस धैये को मैं आपके लिए नेगेटिव नहीं बोलूंगा अगर आपका स्कॉर्पियो सेंडस है या मून साइन है फोर्थ हाउस का ढैया लघु कल्याणकारी ढैयों में से एक है आपके लिए यू विल मिंट लॉट ऑफ मनी नेम फेम प्रस्पैरिटी आपको इन ढाई सालों में वो मिलेगा जो पिछले बीस सालों में आपको नहीं मिला आपका हार्ड वर्क स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होगा नई प्रॉपर्टी आप बाय कर लेंगे नया वाइकल आप बाय कर लेंगे स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं पी चाहते हैं वर्क परमिट चाहते हैं या अपनी बर्थलैंड को छोड़कर कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो शनि का ये गोचर आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा यहां से शनि की तीसरी दृष्टि छठे भाव पे है अगर लिटिगेशन में इन्वॉल्व है कोर्ट कचहरी में इन्वॉल्व है तो थोड़ा सा केयरफुल होकर के चले मगर राहु वहां पर गोचर कर रहा है तो इसलिए आपको किसी किस्म की कोई मेजर प्रॉब्लम आती हुई मुझे नहीं दिखती इवन फैसला आपके पक्ष में आएगा शनि की सातवीं दृष्टि आपके टेंथ हाउस पे होगी सूर्य की राशि सिंह के ऊपर होगी अपने पिता के साथ थोड़ा सा अच्छे टाइप में रहें पिता की ब्लेसिंग्स लेते रहें पिता की हेल्थ का ध्यान रख के चलें पिता के साथ कॉपरेट होकर चलें पिता की जितनी ज्यादा कदर करेंगे जितना ज्यादा उनको मान सम्मान देंगे उतना प्रोफेशनली ग्रोथ आपको मिलेगी काल पुरुष की कुंडली में शनि का जो दसवां घर है वो उसका ऑन ओन... हाउस है तो इसलिए शनि की जो दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है आपके प्रोफेशन में आपको लाइमलाइट में लेके जाएगी आपको हार्डवर्क और सक... और एफर्ट्स के बाद ढाई साल सालों, सालों में आपका पूरा स्टेटस चेंज हो जाएगा आपके पास अगर छोटी गाड़ी है तो आप बड़ी गाड़ी पे आ जाएंगे आप लग्जरी कार बाय कर सकते हैं बड़ा हाउस बाय कर सकते हैं लोन आपका क्लिक हो जाएगा हर एक तरह से आपको एडवांटेज मिलेंगे लेकिन थोड़ा सा लेजीनेस आपके ऊपर बढ़ेगा क्योंकि शनि की दसम दृष्टि आपके लगन पर है थोड़ा सा डीप थॉट्स में आप चले जाएंगे हल्का फुल्का स्ट्रेस एग्जाइटी टेंशन ये आपका रहेगा बट ओवरऑल स्कॉर्पियो दिस विल बी अल्टीमेट टाइम फॉर यू यून यूट लॉट ऑफ मनी यू विल बाय न्यू प्रॉपर्टी यू विल बाय न्यू हाउस और यू मे गो फॉर रेनोवेशन ऑफ यूर हाउस कि काफी लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे कि मैंने घर को रेनोवेट करवाना है फर्स्ट फ्लोर डालना है सेकंड फ्लोर डालना या थर्ड फ्लोर डालना है तो वो टाइम आपका सत्रह जनवरी 2023 तेईस के बाद ऑन हो रहा है कि आप अपनी प्रॉपर्टी पे पैसा लगाएंगे प्लॉट बाय कर सकते हैं कोई नया व्हीला बाय कर सकते हैं नया लग्जरी कार बाय कर सकते हैं अगर आप एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं तो उससे अच्छा खासा धन लाभ आपको हो सकता है स्टार्टिंग में मदर की हेल्थ कुछ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी लेकिन शनि यहां पर शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं केंद्र में गोचर कर रहे केंद्र में गोचर कर रहे हैं तो कोई मेजर प्रॉब्लम आपकी मदर की हेल्थ को नहीं आएगी बल्कि मदर से आपको सपोर्ट मिलेगी मदर से आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी मदर से आपको कुछ धन का लाभ भी हो सकता है या मदर की एडवाइस आपके लिए कारगर साबित हो सकती है यह सारा टाइम फ्रेम आपका स्टेटस राइज होगा नेम फेम अच्छा होगा नौकर चाकर में वृद्धि होगी कंफर्ट जोन आपके बढ़ जाएंगे हालांकि आप यह सोचेंगे कि हमारे ऊपर तो ढैया आ रहा है तो ढैये से घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह आपके लिए लघु कल्याणकारी ढैया है स्कॉर्पियो सेंडस अगर आपका स्कॉर्पियो मोन साइन अगर आपका है दिस विल बी अ पावरफुल पीरियड यू विल मेट लॉट ऑफ मनी नेम फेम प्रस्पैरिटी यू विल बाय ऑन हाउस

इन वो वर्क अगर आप जॉब में हैं तो आपके सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से बड़े सेटिस्फाई रहेंगे प्रमोशन इंक्रीमेंट आपका हो सकता है फॉरन में जॉब अप्लाई कर रखी है तो वहां से आपको वर्क वीजा मिल सकता है पी आर मिल सकती है या रेजिडेंसी मिल सकती है समथिंग इज देयर विच वुल मेक यू हैप्पी लिंक टू फॉरन लैंड बिकॉज देखिए शनि का गोचर चतुर्थ भाव में चतुर्थ भाव क्या है आपके जन्म का स्थान और शनि का शनि क्योंकि आपके थर्ड हाउस के भी लॉर्ड है थर्ड हाउस के लॉर्ड होकर पराक्रम के के घर लॉर्ड फोर्थ हाउस में गोचर करेंगे तो आपको अपने घर से दूर लेके जा सकते हैं या जो लोग ऑलरेडी फॉरन में हैं वो अपने घर में वापस आ सकते हैं यानी फॉरन से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज अगर आप इंडिया में है तो फॉरन सेटल हो सकते हैं अगर फॉरन में है तो किसी कारण आप अपने घर में वापस स्वदेश में भी आ सकते हैं ऐसे कुछ योगों का निर्माण शनि का ढैया आपके लिए करने वाला

दिन में करें 108 नाम भगवान शिव के उच्चारण दिन में करें यू विल डेफिनेटली सी बिग चेंज इन योर लाइफ स्टे कूल मैन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो आई एम प्रिंग फॉर हैप्पी फ्यूचर नमस्कार सलाम जय हिंद